देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं सोनल तैया। चुनाव नजदीक हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लग रहे हैं, तमाम पार्टी अपनी रणनीति बनाने लग रही है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जजपा हो, इनेलो हो, सबकी तरफ से कोशिश हो रही है कि भाई अपना संगठन जो है मजबूत करा जाए। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में अपनी पैठ किस तरह से मजबूत करी जा, या हर पार्टी की कोशिश है। लेकिन राजनीति है भाई, राजनीति में समीकरण बदलते रहे हैं, परिस्थितियां बदलती रहे हैं, मुद्दे बदलते रहे हैं, हालात बदलते रहे हैं और वो कहीं ना कहीं परिणाम भी बदलते हैं। इस बार बीजेपी के लिए रास्ता क्या इतना आसान है? हरियाणा की अगर हम बात करें, बहुत सारी चुनौतियां हैं बीजेपी पार्टी के आगे भी, क्योंकि लगातार अगर आप जीत का रिकॉर्ड बनाते हो तो उसके साथ साथ कुछ दबे पांव चुनौतियां भी आपके आड़ा में हैं और वो चुनौतियां साफ तौर पे आपके फैसलों में दिखनी शुरू भी हो जाए हैं। अगर हम हरियाणा में ये बात करा, अलग अलग जगहों पे बीजेपी की छाप की, तो भाई जीटी बेल्ट जो है, जीटी बेल्ट में बीजेपी का अपना एक दबदबा रहा है, अपना एक वर्चस्व रहा है। दो लोकसभा क्षेत्र वहां पे हैं, करनाल और कुरुक्षेत्र, वहां पे उनको लोकसभा प्रत्याशी बदलने पड़े। हमने देखा कि कैसे जो है बीजेपी को भी अपनी डिसीजन मेकिंग में कुछ चेंजेस करने पड़े। लास्ट टाइम पे हमने देखा कि वहां पे प्रत्याशी बदले, फिर सीएम बदलन वाला जो बड़ा फैसला था वो लिया गया, जिसको लेकर भी पार्टी निशाना साध रही है कि अगर आप इतनी बड़ी सरकार चला रहे थे तो फिर आपको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। इसको लेकर बीजेपी की तरफ निशाना भी साधा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी को इस बात को लेकर आड़े हाथों ले भी रही हैं, लगातार बयानबाजी आ रही है। हमने देखा कि जो जीटी बेल्ट की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, भाजपा का गढ़ है और तीन सीटें वहां पे अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। हमने देखा कि भाई धीरे धीरे जिस तरीके से एक जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वहां पे जीती थी, अब क्या वो सियासी समीकरण वैसे रहे हैं? क्या वहां पे आज भी बीजेपी का दबदबा है? अगर हम अब की डिटेल्स देखें तो चीजें जो हैं वो बहुत हद तक बदल गई हैं और कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो इस वक्त भाजपा की जो हैट्रिक है उसको किस तरीके से बनन तय रोका, इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से भी जद्दोजहद चल रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से गुटबाजी का आरोप जो है वो भाजपा पार्टी की तरफ से लगातार कांग्रेस पार्टी पर साधा जा रहा है और नो डाउट है भी चीजें, क्योंकि अभी तक देखो कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट नहीं आउट कर पाई है। दूसरी चीज ये है कि साथ साथ अब ऐसे ही सवाल जो है वो भाजपा के भीतर भी उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अनिल विज की नाराजगी जग जाहिर है। हमने देखा कि अनिल विज जो है अब केवल और केवल अपने अंबाला क्षेत्र तक सीमित रह गए हैं, ना वो अलग अलग जगहों पे कोई प्रचार करते दिखाई देते हैं लोकसभा चुनाव खातर। हाँ, अंबाला में पूरा जोर उन्होंने लगा रखा है। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस वक्त अनिल विज की, उसमें साफ तौर पे नाराजगी दिखने लग रही है और वो बार बार ये बात कहने लग रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बदलने का फैसला लिया गया उसमें मेरे से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ या मेरे को इस बात की कोई जानकारी भी नहीं थी कि मुख्यमंत्री बदला जाने लग रहा है। ये एक नाराजगी की बड़ी वजह बताई गई। फिर जब मंत्री मंडल का विस्तार होया, जब मंत्री पद दिए गए, तो उस वक्त अनिल विज को कोई मंत्री पद नहीं मिला। तो उसके बाद अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं एक बहुत छोटे स्तर का कार्यकर्ता हूं, मेरी कोई बहुत बड़ी हैसियत जो है पार्टी में अब नहीं है। तो साफ तौर पर ये बातें इशारा कर रही हैं कि भाई अनिल विज की जो नाराजगी है, अब यह नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी चुनाव में ये तो टाइम बताएगा। इसके अलावा जो सत्ता विरोधी लहर है उससे निपटना भी इस वक्त बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती तो रहेगी, क्योंकि बहुत से मुद्दों को लेकर ग्राउंड पे लोगों के भीतर नाराजगी तो है। उस नाराजगी ने बीजेपी कैसे साथ देगी, ये तो अंदर की स्ट्रेटेजी है उनकी, वो कैसे उसको मजबूत बनाते हैं। और जो प्रदर्शन आप बार बार करते हो, जब आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हो राजनीति में, एक के बाद एक हमने देखा कि कैसे प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीती है, तो अब उसको बरकरार रख पाना भी इस वक्त बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है कि आप उसको किस तरीके से बरकरार रख पाते हो। अब अलग अलग जगहों पे आप अपने गढ़ को और मजबूत करो, इसको लेकर भी कोशिशें हो रही हैं। हमने देखा कि नायब सैनी ने करनाल विधानसभा से उम्मीदवार बनाकर उनको जो सीएम सिटी का जो दर्जा है वो बरकरार रखने की कोशिश करी गई है, मनोहर लाल को वहां से प्रत्याशी बनाकर। तो तमाम तरह की कोशिशें, अंदर खाने चेंजेस तो जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से हो रहे हैं कि कैसे वो अपने अलग अलग इलाकों को मजबूत करें। हम थानेसर की भी बात कर लें तो थानेसर से
देखो सुभाष सुधा को मंत्री पद जो है वो दिया गया है, उस इलाके में जो लोगों की नाराजगी है या कोई भी मुद्दे वहां पे जो हावी हैं उसमें कैसे एक संतुलन बनाया जा, अलग अलग जगहों से लोगों को उठाया जा रहा है और उनको बड़े पद दिए गए हैं, तो इससे साफ तौर पर सारे समीकरण साधन की कोशिश जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से हो रही है। लेकिन अब आगे उसका इम्पैक्ट कितना होगा, क्योंकि रास्ता राजनीति में आसान तो नहीं है, कभी भी कोई भी मुद्दा हावी हो सके, कोई भी पार्टी आपके लिए बड़ा चैलेंज बन सके है, और जब आप बार बार अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आपके ऊपर एक अच्छे प्रदर्शन का एक दबाव भी हुआ है, क्या बीजेपी उसमें कामयाब रह पाओगी? हरियाणा में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी है, अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी पार्टी जो तमाम तरह के दावे कर रही है और अंदर खाने कह रही है सारी चीजें बेटर है, अच्छी है, क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक है? क्योंकि बड़े बड़े फैसले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, और अब आगे क्या वह दिक्कत दूर होगी, के बीजेपी अपना प्रदर्शन वैसे ही दोहरा पाएगी, यह समय बताओगे।